की कोशिश की जा रही है और ये हम कतई मंजूर नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा देश सेकुलर था, हमारा देश में रहने वाले लोग सेकुलर हैं। हम हमेशा से हर धर्म के लोगों के साथ रहे हैं, इसीलिए हिंदुस्तान हमारा देश सेकुलर रहेगा, सेकुलर था। ये हमें उन लोगों को समझाना है, इसके लिए ये एहतजाजी धरने का आगाज हमारे गांव शहर में भी बिल्कुल शामिलवाद की तरह, लेकिन ये गश्ती इसलिए रखा गया है कि पंचायत पुलिस प्रशासन से हमें एक जगह का परमिशन नहीं मिलेगा, इसलिए इस धरना आंदोलन को हमने गश्ती रखना है। लेकिन मार बने हर युवा गश्ती धरने में आप लोगों को पहुंचना है, जो अपने मालेगांव शहर के कोने कोने में होने वाला है। सात दिनों का एक हफ्ते का ये धरना है, धरने का दूसरा दिन है, क्योंकि एनआरसी CAA और NPR यह ऐसा कानून है, ये कानून एक साजिश के तहत हम पर लागू जाने वाले हैं। उनका आरोप और बीजेपी का जो षड्यंत्र है, वो षड्यंत्र ये रच चुके हैं कि हिंदुस्तान से मुसलमानों को भगाना और ऐसे कई पिछड़ी गांव में इनको यहाँ से हटाकर उनको यहाँ पर सिर्फ हिंदू राष्ट्र बनाने का मिशन वो लेकर चल रहे हैं। लेकिन हर जात हर समाज इसमें परेशान रहेगा, इसलिए ऐसा पूरे देश भर में हो रहा है। वरना इससे पहले कभी कोई सरकारों में बहुत सरकारें आई बहुत सरकारें गई, लेकिन किसी सरकार में कभी ये सारी बातें हमारे देश में ही क्या कि मुसलमान क्या खाए पिए, हिंदू क्या पहने लड़े, क्या हर चीज पर पाबंदी, आजानों पर पाबंदी से तकलीफ होती है। लेकर आ जाते हैं, उसमें हमारे फेर बदल करके मजहब से छेड़छाड़ होती है। कब तक मुसलमान और कब तक ये पिछड़ी और दूसरे समाज की गाँव में कब तक इनके अत्याचार को बर्दाश्त करेगी? अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब हिंदुस्तान जाग चुका है मोदी जी और अमित शाह, आप अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होने वाले, ये आप समझ लो। ये ऐसा पैगाम हमें वहाँ तक भेजना है, इसलिए आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि शाहीनबाग की वो माँ बहनों को देखिए, शाहीनबाग की वो माँ को देखिए, जाने इस्लामिया में वो माँ बहनों को देखिए जो वहाँ पर रात और दिन वहाँ पर बैठी हुई है, वो वही सोती है, वही जगती है, वही पर बैठी है, अपनी जगह से दूसरी जगह भी नहीं बदलती है, इतने ही मजबूती के साथ बैठी हुई है। जामिया इस्लामिया में भी हम गए, वहाँ भी हमने देखा कि माँ बहनों का इरादा एकदम अटूट और मजबूत, अपने हमें भी उसी तरह उनसे प्रेरणा मिली है। और मैंने ये न्यूज चैनलों के जरिए देखा और हमारे हिंदुस्तान के संविधान खतरे में है। अगर हमारे संविधान खतरे में है तो हर इंसान का फर्ज है, हर व्यक्ति का फर्ज है कि कलर कस लो, कमर कस लो और खड़े हो जाओ, मरेंगे या मारेंगे, ये हमें अब आज से तय कर लेना है। और हम इस काले कानून की मुखालफत करते हैं, ऐसा काला कानून हमें नहीं चाहिए जो हमारे देश को बांटने की तो जुगत कर रहे हैं, इन्हें हमें खत्म करना है, इन्हें सबक सिखाना है। और वो बीजेपी RSS के साथ इनको मजबूत करने वाली और भी जितनी पार्टियां हैं उनसे भी मेरी माँ बहनों को, मैं किसी का नाम न लेते हुए मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जब बीजेपी RSS को ताकत पहुंचाने के लिए जो हमारे मजहब का इस्तेमाल करके उनको ताकत पहुंचाने का काम करती है, ऐसी पार्टियों से भी आप लोगों को खबरदार रहना पड़ेगा, क्योंकि हमें बीजेपी और RSS को हमेशा के हिंदुस्तान से खत्म करना है, उसकी जड़ को काट देना है। ये बात मैं आप लोगों को समझा रही हूँ अच्छी तरह से, जान न चुन कर ले, क्योंकि बीजेपी RSS के वो जो अमित शाह जी है टकले बंधु और मोदी जी, ये जो है ये बहुत चालाक है, लेकिन
लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम कि हम भी हवा की बेटियां हैं, हम भी उम्मत मुहम्मदियां हैं, हम लोग कभी पीछे नहीं हटेंगे, हमने हमारे बच्चों को जंग में भेजकर उन्हें ना हम वो नस्ल के लोग हैं कि हमने हमारे बच्चों को शहीद के होने के लिए भेज दिया है, हमने हमारे बच्चों की शादियां की और बिना दुल्हन का मुंह देखे हमने शहादत शहीद करवा दिया है, शहीद होने के लिए जंग में भेज दिया, मैदान कर्बला में भेज दिया, हम उम्मत मोहम्मदिया है, हमसे जो टकराओगे तो मिट्टी में मिल जाओगे। तो मेरी बहनों और मेरी माओ, जो बात मैंने, क्योंकि अभी इलेक्शन पे इलेक्शन आते रहेंगे, आप लोगों को ध्यान रखना है कि बीजेपी जैसी ताकत को इसको खत्म करने के लिए सबको कमर कसना है और इनको ताकत पहुंचाने के लिए मुसलमानों के इल्जाम पर जो एड मांगने वाले लोग हैं उनको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है कि ये आरएसएस और बीजेपी के एजेंट लोग, ये लोग ताकत पहुंचाते हैं उनको, उनसे भी पूरे मालेगांव शहर को होशियार रहना पड़ेगा। यहाँ के स्थानीय लोगों के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहती, लेकिन हमें बीजेपी आरएसएस को खत्म करना है। आज से हर एक माँ बहन का, हर एक हवा की बेटियों का ये एक मिशन होगा। अगर मिशन होगा तो हाथ उठा के बोलो, बोल बहना हल्ला बोल, बोल के पीछे वाले नहीं बोल रहे, बोल भी बहना हल्ला बोल, बोल बता भी हल्ला बोल, हम लेते रहेंगे हर हक हमारा, हम छीन के लेंगे। आसमान तो बेनहुना जैसे तुम पैदा करने वाले आका, कई टूटी फूटी हड्डियों को जोड़ने वाले मौला, गुनाहगार है अल्लाह, हमारे दिल को मौला तेरे रहमत के पानी से धो दे, अल्लाह हमारे सब कबीरा कबीरा गुनाहों को माफ फरमा, अल्लाह हमें अपने वालदैन का फरमा बरदार बना, अल्लाह हमारे वालदैन को ज्यादा तंदुरुस्ती अता फरमा, अल्लाह हमारे वालदैन को हज बैतुल्लाह की जियारत नसीब फरमा, अल्लाह हमारे वालदैन की उम्र में दराज किया नसीब फरमा। ए मौलाए करीम, ए मौलाए करीम, हमने जो हमारी सब हमारे सब सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ फरमा, या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा, अल्लाह सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ फरमा, अल्लाह हम बेसहारों को सहारा अता फरमा, अल्लाह हमारे सजदों में तड़प अता फरमा, अल्लाह हमें पंच वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा, अल्लाह हम दिन में एक मर्तबा मुसल्ले पर खड़े होते हैं मौला, अल्लाह हम दिन में एक मर्तबा जा नमाज पर खड़े होते हैं मौला, बहुत मुश्किल से खड़े होते हैं मौला, मगर हमारा दिल कहीं और दिमाग कहीं और परवाज कर रहा होता है, अल्लाह तो हमें खुशी और खुशी के साथ नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा, अल्लाह हमें हमेशा सच बोलने की तौफीक अता फरमा, अल्लाह जालिम हुकूमत को सुना भूल फरमा, अल्लाह हम सबको पर्दे की तौफीक अता फरमा, अल्लाह हमारे वालदैन की मग़फ़िरत फरमा, आलम इस्लाम में अमन अमान सलामती अता फरमा, ए मौलाए करीम, या अल्लाह, या अल्लाह जहाँ कहीं भी ख़वातीन इस्लाम माँ बहन बच्चियाँ, अल्लाह जहाँ कहीं भी नौजवान जुल्म और सितम सह रहे हैं, अल्लाह अल्लाह उनकी परेशानियों को, अल्लाह उनकी मुसीबतों को दूर फरमा, ए मौलाए करीम, मुसलमानों की चारों जान से हिफाजत फरमा, अल्लाह हमारे सब सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ फरमा, ए मौलाए करीम, ए मौलाए करीम,
करीम यहाँ पर जो कुछ भी पढ़ा गया मौला उसमें जो भी गलती हुई होगी मौला तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबके तो पहले माफ फरमा ए अल्लाह इस गली मोहल्ले की ए अल्लाह इस शहर की मौला चार जानी से हिफाजत फरमा ए मौला करीम ए अल्लाह हम हमारी मुसीबतों को दूर फरमा ए अल्लाह सिरात मुस्तकीम पर गामजन फरमा ए मौला करीम हमारी जबान पर तासी अता फरमा ए अल्लाह हमारे चेहरे में नूर अता फरमा ए अल्लाह हमारे दिल को सुरूर अता फरमा ए मौला करीम झूठ की बचबलखोरी से हम सब की हिफाजत फरमा ए मौलाए करीम ए अल्लाह हमें पंज वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा ए अल्लाह हमारे ईमान में पुख्तगी अता फरमा ए अल्लाह हम यकीनन मौला बहुत ही गुनाहगार हैं ए अल्लाह बहुत ही खियाकार हैं मौलाए करीम ए अल्लाह तो हमारे सब सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ फरमा ए अल्लाह तो रहीम है ना मौला ए अल्लाह तो करीम है ना मौला ए अल्लाह हम सब पर अपना करम फरमा ए अल्लाह हम सब पर अपना रहम फरमा ए अल्लाह तू बख्शने वाला है ना मौला हमारे सब सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ फरमा ए मौला ए करीम हमारी पेशानियों में सजदों की तलब अता फरमा ए अल्लाह खातून ए जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जैसी पर्दे वाली खातून बना ए अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरत पर चलने की तौफीक अता फरमा ए अल्लाह प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर चलने की तौफीक अता फरमा ए अल्लाह हम सबको दिन भर में दिन में इबादत करने की तौफीक अता फरमा ए अल्लाह हमें नमाजों की पाबंदी अता फरमा ए मौलाए करीम हमें पर्दे वाली खातून बना दे ए अल्लाह हमारे दिल को धो दे मौलाए करीम ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा ए अल्लाह तो रहीम है ना मौला हम पर रहम फरमा ए अल्लाह तो गफ्फार है ना मौला हम सब के सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ फरमा ए मौलाए करीम ए मौलाए करीम हमारे सब सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ फरमा ए अल्लाह हमारी मुसीबतों को दूर फरमा ए अल्लाह हम तेरे बंदे हैं ना मौला हम तेरी ही इबादत करते हैं तुझी को पूछते हैं मौला तू हमारे सब सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ फरमा ए अल्लाह जालिम हुकूमत को नेस्त नाबूद फरमा ए मौलाए करीम या अल्लाह हमारे सब सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ फरमा ए अल्लाह ए अल्लाह हमें पांच वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा ला इलाहा इल्ला अंता सुभानक इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नूरे इस्लाम मदद दे सिद्दीक सुल्तान मदद दे शाह शाह मदद दे फखरे रसूल मदद दे तू ही सरकार दो आलम तू ही मक़सूद हयात मालिक कौन मकाम पावे इमाम मदद दे महबूब बकर असर उस्मान अली अस्तफैल अनसार दरशा मदद दे आम नाम बस दे पाक दुनिया जहर जोरा मोइन शाह पेशिया मदद दे दरगुलो तो गुलामी शेख श्रद्धार या अभी भी बतु पहले शे सिन्ना मदद दे या अभी भी बतु पहले शे सिन्ना मदद दे या अभी भी बतु पहले शे